भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा। डरबन के मैदान में ये मुकाबला होगा और भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो पहले T20 में हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं, चलिए आपको टीम इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 बताते हैं। संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज, सूर्य कुमार यादव कप्तान, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और आवेश खान, ये 11 खिलाड़ी हमें पहले T20 में जो है भारत की ओर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा जितेश शर्मा, रमनदीप सिंह, विजय कुमार विशक और यश दयाल को बेंच पर ही बैठना पड़ेगा, ऐसा संभावनाएं हैं। अब देखते हैं क्या यही प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 लेकर के मैदान पर उतरेंगे सूर्य कुमार यादव या कोई एक खिलाड़ी अंदर बाहर हो सकता है। साउथ अफ्रीका की अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो उनके जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 नज़र आ रहे हैं उसमें आरडी रिकल्टन का नाम है, ट्रिस्टन स्टब्स, एडन मार्करम कैप्टन है, केशव महाराज, हेनरिच क्लासेन और रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, मार्को यानसिन और पी क्रुगर, इसके अलावा ओएग बाटमैन, गेराल्ड कोइट्ज़े, ये 11 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के भी हो सकते हैं जो आज पहले T20 में खेलते हुए नजर आए। तो क्या यही दोनों टीमें होंगी, क्या यही प्रोबेबल प्लेइंग 11 लेकर के दोनों कप्तान सूर्य कुमार यादव और एडन मार्करम मैदान पर उतरेंगे या फिर कुछ खिलाड़ियों में हेरफेर भी हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि बारिश की आशंका है तो प्लेइंग कॉम्बिनेशन पर भी मंथन होगा कि ज्यादा स्पिनर्स को खिलाया जाए या फिर ज्यादा तेज गेंदबाजों को वरीयता दी जाए, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस में तेज गेंदबाजों की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। तो क्या होगी फाइनल 11 ये तो मैच के दौरान ही आपको पता चलेगी, लेकिन अब तक ये प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है जिसके साथ दोनों टीमें मैदान पर उतर सकती हैं।